ये कहानी अलादीन नाम के एक राजा के ऊपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है। अब पूरी तरह बेवकूफ होने की वजह से वो अपने देश में क्या क्या कारनामे करता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द डिक्टेटर और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें काल्पनिक देश वाडिया दिखाया जाता है। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद से ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और इसके कुछ सालों बाद ही उसके बाप की भी हत्या कर दी जाती है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादीन वाडिया का राजा बन जाता है। इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहां अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन अपने बाप की तरह ही सनकी और पागल है और उसके मन में जो आता है वो वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है। फिर गेम के दौरान अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो अलादीन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है और इसी तरह वो ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा को बोलता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी, हम जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और ये बोलते ही वो हंसने लग जाता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है और वहां पर वो अपने चाचा तामीर से मिलता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहां अलादीन देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत ही छोटी बनी है। अब ये देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए बोलता है, पर इस पर बाकी के साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को इस बारे में कुछ याद नहीं होता, पर जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तब उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तो उसने अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। अब फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और एक साइंटिस्ट अलादीन को बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे, पर इस पर अलादीन हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं भूला नहीं था और फिर वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है जहां पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां होती हैं। दरअसल अलादीन अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लड़कियां ही रखता है ताकि बाद में वो उन्हें बचा सके। फिर जब अलादीन अपनी कार से बाहर निकलता है तभी वहां एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है, पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन हमेशा ही अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो हमेशा उसका डुप्लीकेट ही मारा जाए। अलादीन दिमाग से इतना चूतिया होता है कि वो अपने डुप्लीकेट की लाश को उठने के लिए बोलता है और फिर जब वो लाश नहीं उठती तो अलादीन अपने अंकल को इशारा करता है कि इसे भी मरवा दो। फिर अलादीन के माँ से जाते ही उसके चाचा तामीर किसी को फोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। अब यह देखकर हम व्यूवर्स को पता चल जाता है कि अलादीन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाहते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हाथों में आ सके। इसके बाद ये लोग अलादीन के हमशगल को ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिखता था, पर ये आदमी भी अलादीन की तरह ही दिमाग से पैदल होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और पलंग तोड़ने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और वो उस फोटो को अपनी दीवार पर चिपका देता है। उसी दीवार पर हम और भी कई सारी लड़कियों की फोटोज देखते हैं जिनके साथ अलादीन अब तक पलंग तोड़ चुका है। फिर अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी वहां पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज को यहाँ बेचकर वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। फिर अलादीन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजा उन पर अत्याचार ना करे। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लेटन होता है और वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर जब रात को अलादीन अपने होटल में सो रहा होता है तभी वहाँ पर क्लेटन आता है और वो उसको किडनैप कर लेता है। वो उसे एक टॉर्चर रूम में लेके जाता है और वहाँ पर वो अलादीन को अपने हथियार दिखाता है जिससे वो उसे टॉर्चर करने वाला है, पर अलादीन उसके हथियारों का मजाक उड़ाने लगता है जिससे गुस्सा होकर क्लेटन उसकी दाढ़ी काट देता है। फिर वो उसकी दाढ़ी को जला देता है पर दाढ़ी पर लगी आग से वो खुद भी जल जाता है। दूसरी तरफ अलादीन भी खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहां से भाग जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह जाता है जहां पर उसे भाषण देना था। तभी वो वहां पर देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ वहां पर भाषण देने के लिए जा रहा है और अब अलादीन ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है। अब अलादीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेलिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है।
तभी वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसे स्कूटी पर बिठाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जोई उसे अपनी दुकान पर लेके जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। जोई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उसे पूछते है कि क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे, पर इस पर अलादीन उसे बोलता है कि मैं चूतियों के साथ काम नहीं करता, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है और तभी वहाँ उसे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था। अलादीन नदाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहां पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो सभी को बता देता है कि ये अलादीन है। दरअसल उस बार में जितने भी लोग थे उन सभी को अलादीन ने मरवा दिया था, पर उनमें से कोई भी मरा नहीं था और वो सब भागकर अमेरिका आ गए थे। इसके बाद वो सभी अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो अलादीन को टपकाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उन सभी को बोलता है कि ये मेरा कजन है। दरअसल यहाँ पर नदाल ने अलादीन को पहचान लिया था। इसके बाद नदाल उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो अलादीन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया और वो वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर अलादीन नदाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पर नदाल मान तो जाता है पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलादीन भी मान जाता है। फिर अगले दिन अलादीन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहां पर अलादीन का हमशक्ल रहता है। तभी वहां पर अलादीन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है। फिर नदाल उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अलादीन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर नदाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई की शॉप में काम करने लगता है, पर वहां पर वो ढंग से काम करने की बजाय सभी चीजों को बिगाड़ देता है। फिर अलादीन को नदाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है, हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहां पर नकली अलादीन को हटाकर उसकी जगह असली अलादीन को ले आएंगे। अब अलादीन को ये प्लान अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे धीरे धीरे जोई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से अब वो शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अब अलादीन को पता नहीं होता कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, पर फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। अब ये देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर जोई अलादीन को बोलती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, पर इससे पहले अलादीन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और फिर वो जोई को अपनी सच्चाई बता देता है। अब सब कुछ सच जानने के बाद जोई उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। फिर अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत ज्यादा खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। अब ये सब देखकर अलादीन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। फिर वो एक पुल से कूदकर अपनी जान देने ही वाला होता है कि तभी वहां पर नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है। अब अलादीन भी नदाल की बात को मान जाता है और वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन अलादीन नदाल के साथ मिलकर बहुत ही मुश्किल से उस होटल के कमरे में चला जाता है और वहां पर वो नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उस मंच पर जाता है जहां पर आज वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना है। इसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। फिर अलादीन ये बोलने ही वाला होता है कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप चलेगी, पर तभी वहां पर जोई आ जाती है और उसको देखते ही अलादीन अपना मन बदल देता है और वो ऐलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी बल्कि वहां पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी। अब ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी वहां पर तामीर अलादीन पर गोली चला देता है। अब वो गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है, पर तभी वहां पर उसका हमशक्ल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के दौरान जोई उसे बताती है कि वो एक जोईश है, जिसको सुनकर अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।